दोस्तों मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हैं, कोई मजदूर है, कोई रेडी वाला है, कोई रिक्शा चलाता है। आज इनके बारे में हम बात करेंगे, क्या ये भी कभी अमीर बन सकते हैं? दोस्तों अगर मैं इनकी पर डे की इनकम की बात करूं, 400, 500, 600, 700 रुपए पर डे ये कमाते हैं, कोई सब्जी बेच के, कोई मजदूरी करके, कोई रिक्शा चला के। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रीशियन है, मेरी पिछले 3-4 दिन के अंदर 2 ऐसे बंदों से बात हुई है जिसमें एक इलेक्ट्रीशियन है और एक रेफ्रिजरेटर का काम करता है। तो उनसे मेरी बात हुई कि क्या सर आप म्यूचुअल फंड के अंदर कभी आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया? तो उनका एक ही क्वेश्चन, हमें तो पता ही नहीं म्यूचुअल फंड होता क्या है। यानी अवेयरनेस बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। और मैं कई बार बोलता हूँ और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि एजुकेशन के अंदर एक इन्वेस्टमेंट का एक टॉपिक जरूर होना चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे, बचपन में ही बच्चों को पता लग जाएगी कि हाँ इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों ये जो पर डे की 400 500 रुपए 700 रुपए तक की इनकम कमाते हैं, इनके लिए आज एक फंड लेकर आया हूं दोस्तों। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं आज की इस नई वीडियो के अंदर। और देखिए मैं एक आप लोगों को रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि आपकी एक SIP हर एक मेंबर की होनी चाहिए, चाहे वो 100 रुपए की ही क्यों ना हो। अगर आपकी फैमिली में केवल 4 मेंबर है तो 400 रुपया यानी 100 रुपया पर मेंबर आप लोगों को म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 100 रुपए से किस प्रकार आप 1 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर यहां पर, यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा का कॉर्पस पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं, वो मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो जो है ये इन भाइयों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोगों को करना क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं दोस्तों। अगर आप 30 दिन की मजदूरी करते हैं, 30 दिन अगर आप काम पे जाते हैं, यानी महीने का 500 रुपया पर डे आप कमाते हैं और महीने का 15,000 रुपया आपका बनता है, केवल 15,000 रुपये आप लोग कमाते हैं, केवल आपने एक दिन की मजदूरी यहां पर लगानी है, एक दिन की मजदूरी दोस्तों, यानी 500 रुपया आप लोगों ने यहां पर इन्वेस्ट करना है। जिसके अंदर अगर आप 2 हैं, अगर आपकी फैमिली के अंदर 2 या 3 से ज्यादा आपके बच्चे हैं, यानी 4 से 5 मेंबर अगर आप हैं, तो 400 रुपए या 500 रुपया, हम यहाँ पर थोड़ा सा राउंड फिगर में लेके चलेंगे। अगर आप 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करते हैं पर मंथ, तो आप देखिए कितना बड़ा पोर्टफोलियो आप लोग बना सकते हैं। और हर एक इंसान की एक ही इच्छा होती है, जब भी हम काम करते हैं किसके लिए करते हैं, अपने पेट के लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं, ठीक है। हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट हो या मजदूरी हो, जो भी हम काम करते हैं अपने खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए ही दिन रात लगे रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं। पर उसके साथ साथ अगर हम सेविंग नहीं करेंगे तो फिर काम का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। क्योंकि जब हम अभी एक उम्र होती है काम करने की, अगर हम अब मेहनत कर लेते हैं और थोड़ी थोड़ी मेहनत के साथ साथ सेविंग करते हैं, तो जो हमारा बुढ़ापा है वो हर एक इंसान के अंदर आना ही आना है। तो उसके लिए हमें सेविंग करनी बहुत जरूरी है, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। और म्यूचुअल फंड क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि आज की वीडियो इन भाइयों के लिए है। देखिए दोस्तों, एक होता है शेयर मार्केट के अंदर, अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है तो आप किसी भी कंपनी का यहाँ पर शेयर खरीद सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है, आपके पास टाइम है, तो आप डायरेक्ट शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके इससे भी ज्यादा प्रॉफिट आप लोग ले सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी SIP कर सकते हैं, अपना छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप लोग यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप मिनिमम कई म्यूचुअल फंड के अंदर तो 10 रुपए से अपनी SIP आप लोग यहां पर शुरू कर सकते हैं। तो आज एक ऐसा ही फंड मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं, और ये जो फंड है अपनी कैटेगरी के अंदर पिछले 1 साल के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे है दोस्तों, नंबर 1 पोजीशन के ऊपर ये फंड था। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी कंपनी का म्यूचुअल फंड होता है, उसका एक मैनेजर अपॉइंट किया जाता है, और वो मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट के अंदर, और वो एक कंपनी के अंदर ना करके आपके पैसे को अलग अलग कंपनियों में, लगभग 10, 15, 20, 25 कंपनियों के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, और वहां से जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो आप लोगों को शेयर किया जाता है। तो यहां पर एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से जरूर करूंगा कि यहां पर आप लोगों को 10 से 15 साल तक का वेट करना होगा। तो
तो 10 से 15 साल तक आप लोगों को ये जो 500 रुपए या 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट है पर मंथ कंटिन्यू आप लोगों को यहाँ पर रखनी होगी दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को शॉर्ट में ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किस फंड के अंदर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा जो आज का जो हमारा फंड है वो रिस्की है, क्योंकि आज का जो हमारा फंड है वो स्मॉल कैटेगरी का फंड है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, हमें कम से कम यहाँ पर 15 साल यहाँ पर देना होगा। और अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर आए हैं तो आप स्मॉल कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न आपको ज्यादा ज्यादा मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक फंड जो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, बड़ा ही जबरदस्त फंड है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और यहां से आप अगर आपको मिनिमम 20% का रिटर्न भी मिलता है तो आप 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके कितना पोर्टफोलियो आप यहां पर बना सकते हैं। तो यहां पर आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहां पर मैंने बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को यहां पर लिया है। एक बार इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, बड़ा ही जबरदस्त फंड है। और इस कैटेगरी के अंदर, स्मॉल कैप की कैटेगरी के अंदर, पिछले एक साल के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला फंड है दोस्तों। तो यहां पर पिछले एक महीने का अगर मैं रिकॉर्ड देखता हूं, डेटा देखता हूं, तो 9.83% का रिटर्न बना के दिया है, लगभग लगभग 10% का रिटर्न इसने बना के दिया है। पिछले छह महीने के अंदर 36.38% का रिटर्न बना के दिया है, और पिछले एक साल के अंदर 78.33% का रिटर्न इसने बना के दिया है, और पिछले तीन साल के अंदर 32.55% का रिटर्न बना के दिया है। और ऑल अगर बात देखी जाए तो 39.64 यानी 40% का रिटर्न इस फंड ने बना के दिया है। फंड नया है, रिटर्न जबरदस्त है दोस्तों। तो यहां पर रिस्क है, पर सबसे अच्छी बात मिनिमम एसआईपी आप यहां पर 100 रुपए से यहां पर कर सकते हैं, जो आप यहां पर देख सकते हैं। फंड साइज की अगर मैं बात करूं 4384 करोड़ का फंड साइज है, और आज से लगभग 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 दो महीने पहले, दो महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं उस टाइम पे मैंने ये वीडियो आप लोगों को दी थी, उस टाइम पे और आज तक लगभग लगभग 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहां पर हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं लोगों की इन्वेस्टमेंट यहां पर कितनी हो रही है दोस्तों। होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 144 कंपनियों के अंदर होल्डिंग है। होल्डिंग का मतलब ये है कि आपका जो पैसा है वो 144 लोगों के पास गया हुआ है, 144 कंपनियों के अंदर गया हुआ है दोस्तों। मान के चलिए 10 कंपनियां 15 कंपनियां भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शन है इस म्यूचुअल फंड के पास। तो रिटर्न रैंकिंग की अगर मैं बात करूं उसके बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सिमिलर फंड की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा लोग भरोसा करते हैं निप्पॉन के ऊपर, क्वांट के ऊपर, पर क्वांट के अंदर आप मिनिमम एसआईपी 1000 रुपए से कर सकते हैं। निप्पॉन के अंदर हालांकि आप 100 रुपए से कर सकते हैं, परंतु ये नया फंड है और पिछले एक साल के अंदर आप लोगों ने देख लिया है निप्पॉन क्वांट सबसे ज्यादा रिटर्न इस फंड ने बना के दिया है। इसी के अंदर सिमिलर फंड आप यहां पर देख सकते हैं, तीन साल का रिकॉर्ड आप यहां पर देख सकते हैं। निप्पॉन इंडिया ने 36.60% का रिटर्न बना के दिया है, टाटा स्मॉल कैप ने 33.40% का, आईसीआईसी ने 30.50 का, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 30.40%, एक्सिस स्मॉल कैप 27.30% का रिटर्न बना के दिया है। अब मैं इसकी बात कर लेता हूं कि पिछले तीन साल के अंदर इस फंड ने लगभग लगभग 32.55% का रिटर्न बना के दिया है, जो आप यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों यहां पर एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो अभी बिल्कुल ही कम है, ना के बराबर आप इसको बोल सकते हैं अगर हम बाकी से अगर कंपेयर करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.37% है, पर ये इतना मायने नहीं रखता कि अगर आपको ऐसा लगे कि ये बिल्कुल कम है, क्योंकि नया फंड है, धीरे धीरे जैसे जैसे इसका फंड साइज बढ़ता रहेगा एक्सपेंस रेशियो भी बढ़ता रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहां पर देख सकते हैं। फंड मैनेजमेंट आप यहां पर देख सकते हैं, मनीष जी हैं, कीर्ति जैन जी हैं 2023 से हैं, रितिका जी हैं, हर्ष भाटिया जी हैं 2024 फरवरी 2024 से हैं। फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आप इसको भी यहां पर देख सकते हैं। रैंक की अगर बात की जाए टोटल एसेट के अंदर बंधन म्यूचुअल फंड की, तो 9th इसकी रैंकिंग है टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो इनका टोटल एसेट यहां पर आप देख सकते हैं 1,34,866 करोड़ का है दोस्तों। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब आया था, 20 दिसंबर 1999 के अंदर। तो ये आप इसके अंदर इसकी कुछ टेक्निकल्स जो आप यहां पर वर्ड देखना चाहते हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं।
तो यानी बहुत ही अच्छा फंड ये है। अगर दोस्तों आप यहां पर, मैं आपको यहां पर कैलकुलेटर के ऊपर लेके चलता हूं, अगर आप यहां मात्र 500 रुपए, केवल आपसे मैंने 500 रुपए के लिए यहां पर बोला है, अगर आप 500 रुपए भी यहां पर इन्वेस्ट करते हैं, केवल 500 रुपया, और उसके अंदर एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से जरूर करूंगा कि 500 रुपए आप पर मंथ से शुरू करिए, 500 रुपए पर मंथ से आप शुरू करिए, केवल 500 रुपए से, और 500 रुपए से शुरू करने के बाद हर साल उसके अंदर 20% थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा। हर कोई बोलता है कि 10% 15%, छोटी सी रिक्वेस्ट है, केवल आप लोगों को 20% हर साल उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके अंदर अगर आप 20% बढ़ा के चलते हैं तो आप यहां पर देखिए कितना बड़ा पोर्टफोलियो आप लोग यहां पर बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपकी 20 से 25 साल की उम्र है और आज आप कोई भी मजदूरी का काम करते हैं, रेडी का काम करते हैं, कहीं किसी दुकान पे काम करते हैं, केवल आपने यहां पर 500 रुपए यहां पर इन्वेस्टमेंट करना है पर मंथ, यानी एक दिन की मजदूरी, और अगर आप यहां पर 20% हर साल इसको बढ़ा लेते हैं, यानी 1 जनवरी 2024 से आपने 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट शुरू की, दिसंबर 2024 तक आपकी 500 रुपए ही इन्वेस्टमेंट रहेगी, परंतु 1 जनवरी 2025 से आपने 500 की बजाय 600 रुपया वहां पर कर देना है, 100 रुपया, ठीक है, क्योंकि आपकी मजदूरी भी वहां पर बढ़ेगी। तो इस प्रकार आप 600 रुपया अगले साल, फिर 1000 यानी 1 जनवरी 2026 के अंदर फिर आपने 600 रुपए के अंदर 20% यानी 120 रुपया और उसके अंदर बढ़ा देना है। इस प्रकार आपने हर साल 20% उसको बढ़ा के चलना है। और स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो आपको 20% यहां पर लॉन्ग टर्म के अंदर यहां पर बेनिफिट मिलता है। तो आपको यहां पर 20 साल के अंदर दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं आपकी जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो होने वाली है केवल 11,20,128 रुपया, और आपको जो टोटल मिलने वाला है यानी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 11 लाख रुपए की और आपको जो मिलेगा 38,80,000 प्रॉफिट के साथ, और टोटल जो आपका अमाउंट बनेगा वो बनेगा 50 लाख रुपया। दोस्तों अगर आप इसको 25 साल तक लेके चलते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं आपके पास पैसा होगा 1,62,27,351 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 1,62,27,351 रुपया। अभी आप बोलेंगे कि सर 25 साल तक अगर मुझे वेट करना पड़ेगा तो उसका फायदा क्या है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि महंगाई की जो दर होती है वो हर साल 6 से 7% बढ़ती है, और यहां पर हमने कितना 20%, क्योंकि हमारा स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, केवल आपने एक दिन की मजदूरी यहां पर इन्वेस्ट करनी है। दोस्तों ये आपके बच्चों का भविष्य यहां पर सुधार सकता है, देख सकते हैं, और आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है ना, देखिए हर किसी इंसान की फ्यूचर प्लानिंग होती है, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये केवल उन लोगों के लिए है जो केवल 500-700 रुपया पर डे कमाते हैं दोस्तों, तो उनके लिए जो यानी 15,000 रुपया कमाते हैं, तो 500 रुपया आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करिए म्यूचुअल फंड के अंदर जो मैंने बताया। ऐसा नहीं कि आप इसी के अंदर, थोड़ा बहुत और उसके बारे में एजुकेशन लो, उसके बारे में जानकारी लो, कहीं ना कहीं आप प्लीज अपनी इन्वेस्टमेंट जरूर करो, क्योंकि यहां से ही आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो। दोस्तों अब आपकी उम्र 20 साल है, 20 साल में आपने मजदूरी करना शुरू कर दिया, आपने रेडी लगाना शुरू कर दिया, आप किसी दुकान पे काम करते हो, तो 25 साल यानी जब आपकी उम्र 45 साल की होगी तब आपके पास 1,62,00,000 रुपया होगा। अगर आप 25 साल के हैं, आज आप 25 साल के हैं, तो 50 साल के बाद आपके पास 1,62,00,000 रुपया यहां पर होने वाला है। तो आप इस चीज को देखिएगा दोस्तों, केवल आपने थोड़ा सा अपने खर्चों को कम करना है, थोड़ा सा अगर आप पर डे का खर्चा भी कम करते हैं ना, यानी 20 रुपया पर डे का खर्चे से भी कम करते हैं, तो महीने का 600 रुपया तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। 15 से 20 रुपया पर डे आपने सेव करना है, केवल 15 से 20 रुपया आपने पर डे का सेव करना है, यानी आप एक सिगरेट कम पी लीजिए, एक चाय कम पी लीजिए, केवल एक चाय और एक सिगरेट एक बीड़ी से आप ये 15 रुपया पर डे निकाल सकते हैं, और 15 रुपए बचा के आप 25 साल के बाद आपके पास 1,62,00,000 रुपया बनने वाला है। आप इस बात को समझिएगा दोस्तों और अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिएगा। तो ये आज का मेरा मकसद था, ताकि इन भाइयों को हम लोग समझा सकें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज यार वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि इन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे और अपनी इन्वेस्टमेंट ये शुरू करें। देखिए ये लोग हमसे ज्यादा जागरूक हैं, ये आरडी एफडी में लगे रहते हैं, पर इनको म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा
डर लगता है। आप भी थोड़ा सा अपने आसपास लोगों को समझाइए, इन भाइयों को समझाइए, ताकि वो भी म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।